औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है इज़्ज़त ख़ान ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है रिव्यू है 1.3 टोयोटा यारिस मैनुअल की, और ये 6 वेरियंट आए हैं इसके, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो बैटरी इंस्टॉल हुई है ये मैंने ख़ुद से लगवाई है, ये ड्राई बैटरी है और मैंने ख़ुद परचेज़ की थी। और इसके साथ जो आई थी बैटरी कंपनी की फिटेड, वो रक्षे वाली बैटरी थी, बहुत ही हल्की, बहुत ही कम वोल्टेज की बैटरी थी वो, और इसलिए मैंने ये ड्राई बैटरी ख़ुद से ख़रीदी है और इसमें इंस्टॉल की है। अच्छा, ये जो है अब मैं आपको इसका इनसाइड जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ टोयोटा यारिस 1.3 का। अच्छा, ये तो वही विंडोज़ वगैरह जैसे नॉर्मल आते हैं टच, और ये इसका अंदर का इंटीरियर है। ये सीट कवर तो मैंने ख़ुद ही इसमें लगवाए थे कंपनी से, तो ये बेज कलर में ही आते हैं जैसे इंटीरियर होता है इसका अंदर का। अच्छा, ये इसका मल्टीमीडिया जो सिस्टम है, साउंड सिस्टम, वो एनालॉग में है। अच्छा, ये बैक साइड की सीट्स हैं, इतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं है जैसे नॉर्मली दूसरी गाड़ियों की होती है, बड़ी गाड़ियों की। ये आउटसाइड गाड़ी की बॉडी जो शेप है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, और उसके साथ आपको डिगी भी दिखा देता हूँ इसकी टोयोटा यारिस 1.3 की। नॉर्मल डिगी जैसे दूसरी गाड़ियों की है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें ये स्पेयर एक टायर दिया है इन्होंने, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है। अब मैं आपको आउटसाइड से जो डोर हैंडल हैं वो दिखा देता हूँ जो बॉडी कलर में है, और बाकी जो दूसरी गाड़ियों में है जो इसके दूसरे वेरिएंट है उसमें तकरीबन चेंज है। और इसकी सीट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, जो बैक सीट है जो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि कंफर्ट इतनी नहीं है जैसे आम गाड़ियों की होती है, बड़ी गाड़ियों की जैसे ग्रैंडी है या अल्टिस 1.6, बिल्कुल उस तरह नहीं है। ये आप गाड़ी का स्टीयरिंग देख सकते हैं कि ये भी मल्टीमीडिया है, बड़ा सिंपल सा बना हुआ है, नॉर्मल सा। अच्छा, एसी वगैरह, एयर बैग वगैरह है इसमें मौजूद है बिल्कुल। एसी इसका नॉर्मल जैसे आम गाड़ियों का है, बिल्कुल उसी तरह रिजल्ट है एसी का। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज, जो बहुत ही बुरी है। जिसे आप यूँ कह लें कि 1 लीटर में ये आपको लॉन्ग रूट पे 11 से 12 किलोमीटर देगी ये गाड़ी। अच्छा, ये इसके रिम वगैरह भी इंस्टॉल हैं टायर रिम के साथ, काफ़ी ख़ूबसूरत रिम दिए हैं इन्होंने। लेकिन फ्यूल एवरेज में ये गाड़ी बिल्कुल फेल है, क्योंकि इसकी जो एवरेज है वो 1 किलोमीटर 1 लीटर में ये आपको 10 से 11 या 12 लॉन्ग रूट और या इनसाइड शहर में आपको ये देती है। तो इस वजह से ये गाड़ी जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्यूल एवरेज के हिसाब से। अगर बात की जाए इसके फ्यूल की तो उसमें ये गाड़ी जो है वेरी बैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एवरेज के हिसाब से। 1 लीटर में ये आपको 10 से 11 या 12 किलोमीटर दे रही है, तो बिल्कुल